हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तेज द किचन। क्या आपको भी मीठा खाने का मन करता है पर बनाने का मन नहीं करता, कौन इतना मेहनत करेगा? तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ब्रेड से बनी हुई कलाकंद की रेसिपी, जो कम मेहनत में फटाफट से बन जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध, जिसे गर्म होने के लिए गैस पर चढ़ाया। जैसे इसमें बॉयल आएगा, फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसे हमें गाढ़ा करना है। बेसिकली हमें इसका रबड़ी बनाना है। थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि दूध अपनी क्वांटिटी से काफी रिड्यूस हो चुका है, पर इसे अभी हमें और गाढ़ा करना है। आपको मिल्क को लगातार चलाने की जरूरत नहीं है, बस बीच बीच में स्टर कर दें। ध्यान रखें कि दूध नीचे सटना नहीं चाहिए। 10 से 12 मिनट इसे पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि दूध काफी गाढ़ा हो चुका है। तो इस स्टेज पे 1/2 टीस्पून हम इलायची का पाउडर डालेंगे, 1/4 कप हम चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अच्छे तरीके से मिला लेंगे, 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। 1 मिनट के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे रखेंगे साइड पे। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे 8 ब्रेड, इसके किनारों को हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसके साथ भी बना सकते हैं, मैं इसे कट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कट कर लिया है। इसी तरीके से बाकियों को भी कट कर लेंगे। और ये जो साइड का हिस्सा बच गया है, इसे आप फेंके नहीं, आप इससे ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है, उसमें हम ब्रेड्स को डाल देंगे। मैं नीचे में 4 डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह पे प्लेट में भी इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमने तैयार करके रखा था रबड़ी, उसे डाल देंगे। अच्छे से सारे जगह डाल दें। इसके ऊपर डालें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। इसे डालने के बाद नेक्स्ट फिर से ब्रेड डालें। हम ब्रेड की एक और लेयर लगाएंगे, तो 4 ब्रेड मैं फिर से डाल रही हूँ। इसके ऊपर अगेन हम रबड़ी को डालेंगे। अच्छे से रबड़ी को डालें। इसके बाद अगेन हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दिखने में अभी से ही कलाकंद जैसा लग रहा है, लेकिन अभी इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। आधे घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। कट करने के लिए आप अपने अनुसार किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। तो हमारा कम मेहनत वाला कलाकंद बनकर एकदम रेडी है। चलिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो लग रहा है ना एकदम कलाकंद के जैसा। ये खाने में बहुत यम्मी है, ट्रस्ट मी, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।